टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल पर। राम राम जी, कैसे हो? जल्दी जल्दी से आप लोग बताइएगा। और अब मैं चले हूँ शाम के समय में झाड़ू लगाने। तो झाड़ू मैं सबसे पहले कमरे से स्टार्ट करूँगी कि इसके पहले मैं झाड़ू वाला काम स्टार्ट कर दी थी तो बिटिया रानी मुझे बुला देती कि मम्मी आ जाओ, यहाँ पे मिस्त्री लगा रहे हैं। और मैं अगर थोड़ा सा ना पहुँचूँ ना तो फिर जैसे कि मिस्त्री को अगर मेरे मन के हिसाब से नहीं लगाए तो फिर मुझे दिक्कत होगी। तो इसलिए मैंने पूरा पूरा समय दिया था ताकि कल को ये ना हो कि हाँ मैंने ऐसे कहा था मिस्त्री ऐसे लगाए। अभी फिलहाल मतलब मैंने थोड़ा सा स्टार्ट किया था झाड़ू और आप ये देख लीजिए मेरा पावदान कैसे हो रखा है, एकदम वाइट वाइट से हो रखा है। वैसे तो मेरे घर में ना मतलब ऐसे लग रहा है कि जैसे पत्थर की घिसाई करवा दो, जो पुराना मार्बल लगा हुआ है उसमें, बट मैं पत्थर की घिसाई नहीं करवाऊंगी। इसलिए कि घिसाई करवाने का मतलब पूरा कमरा खाली करके उनको दूं और वो चीज़ मैं कर नहीं पाऊंगी। तो इसलिए मैं पुराना वाला जो मेरा मार्बल है वो उसकी घिसाई मैं नहीं करवाने वाली हूँ। तो आप लोग मेरी तकलीफ समझोगे, ये उम्मीद करती हूँ मैं अपने व्यूअर्स से कि आप हमारी उम्मीद को समझोगे, मतलब हमारी परेशानी हमारी तकलीफ को समझोगे। और उम्मीद आप सबसे है ना, इसमें सबसे ज़्यादा जानते हैं क्या हुआ, हम माँ बेटी और हमारे जो है बेटे जी इसमें सबसे ज़्यादा परेशान हुए। और हस्बैंड तो परेशान इसलिए हुए कि भाई देखिए हम लोग तो सिर्फ अपना दिमाग चला रहे हैं, वो तो मतलब पैसे भी खर्च कर रहे हैं तो फिर हस्बैंड का तो कोई सवाल ही नहीं होता है कि उनकी तकलीफ कितनी है। भाई वो तो पैसे भी खर्च कर रहे हैं और फिर ऑफिस भी देखना, तो हमको घर देखना और उसके साथ साथ मिस्त्री लोग को भी देखना, चाय पानी उनकी कमी ना हो, इस चीज़ की बात का हम लोगों को ध्यान देना है। ये चीज़ें हैं। देखिए कोई मतलब अगर आपके घर में आया है या कोई उसका देख रेख तो करना पड़ेगा, चाहे वो मतलब आपके रिलेशन में हो या आपके घर में कोई काम कर रहा हो, तो इस चीज़ को ध्यान नहीं देंगे तो फिर वो जो हमारे इंडिया में होता है ना अतिथि देवो, तो वो फिर उसका मतलब सिर्फ कहने तक रह जाएगा, शब्द मतलब कहने तक रह जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो इसलिए तो भाई रिस्पेक्ट है तो बनती है, जो हमारे घर में आए हैं कम से कम उससे पानी दाना तो हम करा ही सकते जो हमारे बस में है। तो बेटे जी ले आए थे नाश्ता मिस्त्री को, वो दिए और हम बराबर से चाय वगैरह बना देते हैं। ये लगता है कि यार जैसे हम लोगों को भूख लगती है वैसे तो वो भी इंसान है। हाँ ये है कि मैंने देखा मिस्त्री का, आप देखिए ये दरवाज़ा जो है ऐसे जैसे जाले से भरा हुआ है, जबकि ये कोशिश ये रहती है हम लोगों की कि यहाँ पे धूल ना पड़े। जैसे जैसे मतलब वो घिसाई वाला काम करते हैं, जैसे पत्थर वगैरह की कटिंग होती है तो फिर धूल जो, अरे बाप रे ये मोबाइल कब से लगी हुई है, तो धूल चार्ज भी हो गई है। तो अभी मैं फाइनली रूम की जो है साफ करी हूँ, और अगर टाइम हो तो मैं इसमें पोछा लगा दूँ तो थोड़ा सा जो है ये धूल से भी बच जाए, लेकिन मेरे पास टाइम इतना नहीं हो पाता है कि मैं इसको वो कर पाऊँ। और आजकल ढंग से पूजा पाठ कुछ भी नहीं हो रहा है, बस ये है कि बस किसी तरह से झाड़ू लग जा रहा है घर में, किसी तरह से झाड़ू लग जा रहा है वही बहुत है। और कहीं जाना तो समझ लीजिए कि अगर कहीं आप टाइम निकाल के जा रहे हैं तो फिर तो समझ लीजिए कि मुश्किल भी होता है।
और अभी मैंने आंगन में ढेर सारे कूड़े इकट्ठा किया, और अभी तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे जो है पूरा तो मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि पूरा बहुत गंदा है, लेकिन हाँ जो पावदान है उस पर थोड़ा सा मिट्टी जो है उसको हटा दूंगी। और हम लोगों का जो बाल बाल है ना सर का, तो वो भी जो देखते हैं इतनी सारी तस्वीर पर मिट्टी आती है, बाल सर के कैसे लगते हैं ना, जैसे कि एक एक लेयर सा बन गया हो सर के। बस मैंने यहाँ पे थोड़ा सा किया साफ सफाई पावदान की, और जो स्लीपर वगैरह थे, मतलब दो स्लीपर मैंने इधर रखा है, एक पहन रखा है, एक हाथ में ले रखी हूँ, तो चार स्लीपर फाइनली मेरा ही है। अब अगर ये झाड़ू लगा होता, गंदगी ना होती, तो इसमें पानी डालते। अब इसीलिए घिसाई शायद परसों से होगा, इसमें नहीं, मतलब जहाँ पीछे कमरे लग गए। तो मैं सोच रही इधर से आना जाना है तो कितना तो लगा दीजिए, ताकि कुछ कम तो रहेगा। और हस्बैंड आ गए हैं और हॉर्न बज रही है, लेकिन फिलहाल मैंने गेट को खोल के आई थी, तो देख लेंगे। वैसे तो जब भी आप लोग घर बनवाइए, एक बात जरूर नोट करिए कि घर तो बनवाइए, लेकिन अगर उसमें रह रहे हो तो फिर मेरे ही जैसे आपको दिक्कत होने वाली है, और अगर आप उसमें नहीं रह रहे हो तब तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि अगर आप उसमें रह रहे हो तो हमको देख रहे हो ना कि दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और सबसे बड़ी बात पैसे भी खर्च होते हैं, क्योंकि पूरा घर गंदा हो जा रहा है, फिर घर को कलर करवाओ, फिर साफ़ सफाई जो अलग है भी मेंटेन करवाओ, मतलब तब अच्छा लगेगा, नहीं तो इसे गंदा गंदा सा लगेगा, पूरा दरवाज़ा खिड़की जो है वो भी ख़राब। अब अभी समझ लीजिए कि देख रहे हैं ये दरवाज़ा जो जाली का दरवाज़ा है, अभी इसको मैं अगर थोड़ा सा टच कर दूँगी तो कितना धूल निकलेगा, जब आप देख सकते हो कितना घर में धूल है तो इन सब जगह पर कितना धूल होगा। तो धीरे धीरे मैं कह क्योंकि आंगन तक लगा दी हूँ, और आंगन में लगाने के बाद अभी दो, एक ये रूम बचा और लॉबी, और फिर उसके बाद आगे आगे थोड़ा सा दरवाजे के पास लगा दूँगी, तब जाके थोड़ा सा पाया रखने के तक जगह हो जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा इसमें हमारी बिटिया खुशी है ना से, हाँ तो सबसे श्रेया को भी ये था कि हाँ देख रही थी, एक मिनट के हट नहीं देते, हम तो बोला चाय वाय बनाने आ गए, बर्तन खाली करने, उसको तो बस मतलब एक खुशी होती है ना कि हाँ ऐसे बने और बिल्कुल भी कोई कमी ना हो, तो श्रेया को भी वही लग रहा था कि एक भी पोर्शन का कोई कमी ना हो उसमें, अच्छे से बने, क्यों सिया ये लग रहा था ना, लग तो मुझे भी रहा था कि मैं एक मिनट के ना हटूं, लेकिन बट ये है कि देखिए मिस्त्री के चाय वाय और खुद को चाय पीना, मुझे खुद को चाय भी पीना था, और सिया तो मतलब हमने सोचा कि उसके लिए पानी में लेते जाऊं और पानी दे दूंगी, बस फिर चली गई भूल गई, और सिया पानी भी नहीं पी, तो सिया बेटा दिन भर का 2-3 गिलास तो पानी पी ही लो, तू नहा ली, एक बार पोछा लगा देती, मैं सोच रही पोछा लगा दूंगी तभी इसका कुछ शांत होगा।
और मेरे पास इतना टाइम है नहीं कि मैं अच्छा लगाऊंगी। मैं देखी पहले सब्जी में क्या क्या आया है, अगर मियाँ है तो मियाँ तो बॉयल होने के लिए। ऐसा लगता है कि पूरे घर में झाड़ू लगा डालो, पूरे घर की गंदगी साफ हो जाए। लेकिन अब जब तक मार्बल वाला काम ख़त्म नहीं होगा तब तक वैसे ही, अभी किचन में आधा काम बचा है और जब किचन वाला काम ख़त्म होगा तब भी ऐसे ही नरक होने वाला है। और किचन वाला काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है पूरे, वो कह दूँ कि ख़त्म हो गया है। इसीलिए ये सब चीज़ें जैसे जैसे पड़े हैं वैसे छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि एक बार मैंने साफ कर दिया था। आप सोच रहे हो धीरे 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 करके तकलीफ मिलने वालों को हो रही थी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप कि ये ब्लॉग आपको पसंद आएगा। बाय।